अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्स में। करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं लगा कुदरत और अब के लोग है पाकिस्तान है स्पोर्ट ऑफ चिल्ड्रन एंजल, उसका सेकंड पार्ट हम लोग अभी के ले लिया है। तो चना क्या डाला भाई, मेजर और गोरिया वरिया फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बना लिया है, तो ये सेकंड पार्ट है, वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। बाकी उसमें और भी अपडेट्स शायद मिलेंगे, फिर लास्ट मेरे ख्याल से वही बात होगी अफवान चिल्ड्रन की। तो वॉच करते हैं वीडियो को, आप लोग भी हमारे साथ वॉच करो। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन लाइव क्या कर रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट रशिया के, की बात हो रही है, उनका एक बड़ा बड़ा अहम एक बयान आया है कि इंडिया जो प्रेसिडेंसी कर रही है G20 की और SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 जो ग्रुप है कंट्रीज का, उसकी जो प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है उससे दुनिया की सिक्योरिटी सेफ्टी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो एक किस्म से पुतिन ने एक जबरदस्त तारीफ कर दी भारत की, किया भारत की लीडरशिप में दुनिया एक ठीक डायरेक्शन ले। कुछ दिन पहले हमने आपको बोला था कि ज़ेलेंस्की का आया था कि यार G20 में कुछ करो। मैं आपको बता रहा हूँ पीछे स्टोरी क्या चल रही है यूक्रेन और रशिया, तो यही बात है। इनको पता है कि 2023 में पूरी दुनिया भारत में आके बैठेगी, एक साल में पूरी दुनिया भारत आके बैठेगी, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैठे, चाहे फिर G20। और G20 तो बहुत बड़ा है, G20 इज अ ग्लोबल बॉडी, SCO में फिर कम लोग हैं, G20 तो बहुत जबरदस्त है, और गेस्ट वेस्ट उसमें दुनिया भर के जो अटेंडीज हैं और गेस्ट नेशंस हैं और ऑब्जर्वर नेशंस हैं, और करके पूरा एक मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो क्रीम है, आप ये समझ लीजिए यूनाइटेड नेशंस में होंगे करीब 190-195 देश, राइट, ये जितने भी होंगे मतलब इतने ही होंगे मेरे ख्याल से। तो उसका जो क्रीम है ना, उसका जो टॉप क्रीम है, मलाई जो है, मलाई वो इंडिया में बैठेगी, और सबकी उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडिया की यूक्रेन से भी बनती है, इंडिया की रूस से भी बनती है, इंडिया की ईरान से भी बनती है, इंडिया की इसराइल से भी बनती है, इंडिया की यमन से भी बनती है, इंडिया की सऊदी अरेबिया से भी बनती है, रशिया से भी बनती है, अमेरिका से भी बनती है, इंग्लैंड, इंडिया की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है बेसिकली, चाइना के साथ थोड़ा सा कटपट कटपट होती रहती है, बट इंडिया की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, और सब लोग इंडिया को ट्रस्ट करते हैं, एवरीबॉडी ट्रस्ट्स इंडिया, एन ऑनेस्ट आर्बिटर। ये जो पाकिस्तानी आप लोग कहते हो ना सादिक और अमीन, वन हु इज ट्रूथफुल एंड वन हु कैन बी ट्रस्टेड, ये इंडिया है सादिक और अमीन, तुम्हारे यानी कोई सादिक, इंडिया है सादिक एंड अमीन। जब सब लोग कहते हैं, जब दुनिया का हर एक मुल्क जो एक दूसरे के गलों में अपने पंजे गाड़ रखे हों, जैसे यूक्रेन और रशिया है, वो जब बोलें कि यार इंडिया जो कहेगा हमें मंजूर है। मैं पाकिस्तानी दोस्तों को याद दिला दूं, आप तो तिरंगा पकड़ के और भारत माता की जय और जय हिंद बोल के आप निकल गए थे यूक्रेन से सेफली, लेकिन मैं एक और पाकिस्तानी भाइयों बहनों को याद दिला दूं, सिर्फ भारत था जब मोदी जी ने कॉल करा ज़ेलेंस्की को और व्लादिमीर पुतिन को कि हमारे बच्चे हैं वहां पे, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकलना है। तो दोनों मुल्कों ने, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, दोनों मुल्कों ने मोदी जी के कहने पे, भारत के कहने पे लड़ाइयां रोक दी आपस में। यार कितनी बड़ी बात है, इतनी घमासान लड़ाई रोक दी उन्होंने कुछ घंटे के लिए, बोला बेटा आप लोग निकल जाओ फिर हम एक दूसरे को निपटाएंगे। तो यह है इंडिया का पावर, यह है इंडिया की क्रेडिबिलिटी, और यह इंडिया की क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास बहुत बड़ी फौज है, इट इज बिकॉज वी आर गुड पीपल, हम लोग अच्छे लोग हैं और लोग हम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और हमने लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा, हमने ऐसा नहीं कि किसी का लोन लिया खा गए, यू नो, फिर किसी से पैसे लिए, किसी की पीठ में छुरा घूम दिया, समझ गए, चलो ठीक है। वी आर क्लीन पीपल, वी आर ऑनेस्ट पीपल, वी आर गुड पीपल, एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस वी आर गुड पीपल। इसलिए पुतिन भी बोल रहा है, ज़ेलेंस्की भी बोल रहा है, जो बाइडन भी बोल रहा है, शी जिनपिंग भी लगा हुआ है कहीं पीछे से अट्रैक्ट हूं मैं कि यार कुछ करवाओ, ठीक ठाक करवाओ, उसका भी फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहा है कि नहीं इंडिया के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, जो भी आउटगोइंग था फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, वो यही तो बोलकर गया कल परसों कि भाई इंडिया के साथ हमें बातचीत करनी है, हमें अच्छे रिलेशन करने हैं, ये सरहद वरहद की लड़ाइयां बंद करो। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, और ये कभी मत भूलो, बिल्कुल ठीक है भाई। अगली जो खबर है, मैं आपको इंटरेस्टिंग खबरें हैं मेरे पास दो तीन और, कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, इसने एक बहुत बड़ा चुटकुला सुनाया है, बहुत बड़ा जोक सुनाया है, इसने बोला कि टेररिस्ट आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, टेररिस्ट आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, ये इसने एक चुटकुला सुनाया है। इस चुटकुले में कौन कौन शामिल है, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जनरल नदीम अंजुम ISI, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्ला, ये जितने भी ये रोग्स गैलरी है ना, जो रोग्स गैलरी
ये सारी की सारी रोग्स गैलरी वहां पे बैठी है और वहां पे सही तरह डाउन बंदा है साहब। टेररिज्म जो है वो गंदी चीज है और हम इसके खिलाफ हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं आपको इनकी सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। इनको प्रॉब्लम हो रही है बलोचों से और इनको प्रॉब्लम हो रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक पे हमला कर रहे हैं, तो इनको इनसे प्रॉब्लम है जबरदस्त, इनको शदीद प्रॉब्लम है, इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनको। लेकिन ये कह तो रहे कि इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, पाकिस्तानी फौज इनके खिलाफ एक्शन लेगी, इनको नस्त नाबूद कर देगी। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछता हूं, सर एक बात बताओ, आप लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद पे एक्शन लोगे? विल यू टेक एक्शन? नहीं। यही पाकिस्तान का दोगलापन है। जो आतंकवादी, मैंने ट्वीट भी करा था इस पर, जो आतंकवादी भारत पे अटैक करे, जो आतंकवादी हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई को जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे पुलवामा में, वो वाला एक्शन करे, ठीक है, जो कश्मीरी पंडितों को मारे, जो जेएनके पुलिस वाले हैं, जो कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई बच्चे के साथ घूम रहा है, उसकी पीठ पे निहत्ते की पीठ पे गोली मारे, ये इनके हीरो हैं, ये भाई साहब इनके हीरो हैं ये। तभी तो ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में बैठ के, जो इमरान खान है उस समय ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने बोला इसको शहीद है ये, उसको शहीद का दर्जा दिया। और आप यूट्यूब में जाएं, एक वजाहत खान करके एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है और बड़ा सुलझा हुआ जर्नलिस्ट है वजाहत खान, वजाहत खान के इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ क्या कह रहा है, परवेज मुशर्रफ ये कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है, हमारी कौम उसको हीरो मानती है। इंटरव्यू देखा था मैंने। वो ये कह रहा है कि साहब ये लश्कर ए तैयबा वाले हमारे हीरो हैं, उसको हीरो मान रहे थे, बिल्कुल, दे आर रोल मॉडल्स फॉर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान में माँ बाप बच्चे से कहते हैं बेटा तू बड़ा होकर ओसामा बिन लादेन बनेगा, हीरो का तो यही मतलब है, हम तो यही मतलब निकालते हैं। जब आप कहते हो हमारी कौम का हीरो, तो उसका क्या मतलब हुआ, आप उस जैसा बनना चाहते हो और बन भी रहे हो। तो बेसिकली पाकिस्तानी फौज और ये पूरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, झूठ बोल रही है। ये चाहते हैं कि जो भारत में खून बहाता है वो तो बहाता रहे, वो बहाता रहे भारत का खून, उसको हम टच नहीं करेंगे। क्योंकि जो इन्होंने जेल में डाला है ना हाफिज सईद को, वो भी चोरी वाला जेल है, मैं बता रहा हूँ, 5-star अकोमोडेशन है उसकी, सब पता है हमें क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है ना, वी नो एवरीथिंग। और इन्होंने एक्शन लेना, इन्होंने गरीब बलोचों को मारना है, ठीक है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे तो इनकी बनती नहीं है, उनके ऊपर कुछ चलती नहीं है, इनकी कुछ कर नहीं पाते। और अरे तुम्हारी, मैं इंडिया को छोड़ो गया, दो मिनट के लिए इंडिया को कोने में डालो, तुम्हारी इतनी औकात है तो अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारो टीटीपी वालों को, हम समझ जाएंगे कितने बड़े तुम मर्द के बच्चे हो। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब चोर, और तुम्हारा जिहाद मत करना, पूरा चोरी का आइटम है, जाओ ना लड़ो। वो इसके नए वो ये क्या करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नेते बंदे हैं, कोई बाजार में किसी की रेडी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ काम है, कोई टाई पहन के दफ्तर है, उसको उठा लेंगे, उसकी लाश मिलेगी। ये इनका काम है पाकिस्तानी फौज का, इसके अलावा पाकिस्तानी फौज कभी कुछ नहीं कर पाई। ये भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चीजें हैं, सब के सब ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, दिस ऑल अ बंच ऑफ लाइज। एंड मुझे नहीं लगता कि दे मीन एनीथिंग बाय इट, ये सिर्फ अपने लोगों को एक मैसेजिंग कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू पास टाइम, और ये टाइम पास करके सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस क्योंकि पाकिस्तान को इस समय चाहिए एक मैसेज कि हाँ सब ठीक है, और कोई ना कोई तो ऊपर बैठा है जो देख रहा है सब कुछ। तो उन्होंने बोला जी हम तुम्हारे ऊपर बैठे, हम सब कुछ देख रहे हैं, इन्होंने करना कख नहीं है, इनके बस का कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। एक और खबर है मेरे पास, और ये ना ये थोड़ी सी दुखदाई खबर है यार, मुझे बड़ा बुरा लगा, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये डॉन न्यूज है जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अखबार है, तो डॉन न्यूज की खबर है कि 129 अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स विद 178 चिल्ड्रन इन सिंध जेल्स। तो यार ये सिंध का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शर्जील मेमन, उसने बोला है, और मैं ये चाहता हूं ये फोटोग्राफ आप देखो यार, ये देखो, दिख रही है आपको फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ को देखो, और मैं ये सोचता हूं यार कि ये कैसे लोग होंगे पाकिस्तानी यार, इतने चेहरे देखो बच्चों के यार, मासूम बच्चे, ये बच्चों को जेल में ठूस रखा है जानवरों की तरह, जैसे मुर्गियां होती हैं ना वो छोटे से केज में मुर्गियों को बंद करके लोग जो कसाई ले जाता है, वैसे बच्चों को डाल रखा है। ये फोटो वायरल हो रखी है पाकिस्तान में, आप खुद देखो यार, मैं अजीब सा ना, मैंने ये फोटो देखी ना बच्चों की, मेरे पेट में अजीब सी हलचल हुई है, मैंने बोला ये कैसे बंदे हैं यार, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है आपको जो करना है, आपको टेररिस्ट को मारना है मारो यार, उसको उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे बच्चों को, इनका दिल नहीं है यार, इनका दिल नहीं है, इंसान है ही नहीं है,
पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, पर फिर ये बच्चे है ना, बच्चों को तो बिल्कुल है नहीं कि जेल में डालना। इस फोटो को देख के तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले फिर ठोकेंगे इनको, मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। नए साल में, आज 31 तारीख है, नए साल में ये और जबरदस्त शदीद ठोकेंगे पाकिस्तानियों को, इनका मार मार के बनाएंगे दुब्बा, तब इनको अकल ठिकाने आएगी। ये देखो लातों के भूत दोस्तों, बातों से नहीं मानते। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ अंत में। यार एक फोटोग्राफ मैंने देखी जो नरेंद्र मोदी जी की, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी का निधन हो गया, तो हमने भी ट्वीट करा शोक प्रकट करने के लिए। किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था ये थॉट, एक व्हाट्सएप पे भेजी थी, जब वो अपनी माता जी के लिए, मोदी जी और उनके भाई उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो किसी ने लिख के भेजा, बड़ी खूबसूरत लाइन भेजी कि देखो दो बेटे हैं, अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, और एक बेटा दुकानदार है, छोटा सा रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को महल में नहीं बैठा सकते थे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एक इशारा काफी है कि जाओ ये मेरा भाई है, देख लेना जरा इसको, करोड़ों अरबों में खेलता उनका भाई, लेकिन नहीं, वो एक छोटी सी दुकान चला रहा है और अपनी गुजर बसर कर रहा है। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी, और इसकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आने वाला है, हम और मेहनत करेंगे। इस साल आप लोगों ने जो हमारे साथ कोऑपरेशन करा है, हमें आशीर्वाद दिया है, और जो हमारी टीम ने मेहनत करी है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब कीजिए सर आपके चैनल को। वंदे मातरम, भारत माता की जय। So, ये थी वीडियो जो कि इसका पहला पार्ट हम लोगों ने बनाया था, जिसमें बहुत सारी इश्यूज में उन्होंने बात की थी, जो कि बहुत सारे पॉलिटिक्स थी, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत अहम, जिस तरह ट्विटर में उन्होंने दिया हुआ है कि कुछ अफगान रिफ्यूजीज है जो कि कराची में जो है बच्चे हैं, उसको जेल में डाले हैं, बच्चे भी हैं, मतलब लेडीज भी है उसमें, बड़े भी हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जो कि वो लोग मजबूर हो के वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो उसको दो पिक्चर और भी थे जो कि उन्होंने नहीं दिखाए, जो कि बहुत लोगों के साथ उन्होंने बहुत गलत किया था, जात बांधे हुए थे उसको, उल्टा वो किए हुए थे, नहीं जो लटकाए हुए थे, नहीं उसको ऐसे लेटे हुए थे वो सारे लोग, तो ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही नफरत बढ़ेगा इन चीजों से अगर आप इस तरह करोगे, नफरत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपकी कंट्री हर तरफ से कोई ना कोई मतलब टेररिस्ट जो है फायर कर रहा है, अगर ये पिक्चर्स वहाँ के जो अफगान लोग है, जो कि वहाँ की फोर्सेज है वो दिखेंगे, तो ये तो और भी ज्यादा वो लोग फिर जो है अपने कंट्री से निकाल दो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तज़लील जो होते हैं ना, वो बेइज्जती जो कहते हैं, तज़लील वो नहीं करनी चाहिए। तो ये थी वीडियो, सोशल शेयर करें, काफी सारे टॉपिक्स को उन्होंने जो कवर किया था, अच्छी वीडियो थे, बहुत पसंद आया, हमें असल को भी एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया हो प्लीज सब्सक्राइब चैनल मॉनिटर, साथ में जो बेल आइकन दबा करें, तो मिल रहे हैं।